असी धनवादी हाँ जथेदार संत बाबा निहाल सिंह जी मुखी तरना दल हरिया वेला जिन्हां दे आशीर्वाद नाल ये प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचाया जा रहा है। प्रोग्राम रिश्मा विशा पुस्तकां दा महत्व। मनुखी जीवन विच पुस्तकां बेहद महत्वपूर्ण हन। उनां दे जरिए असी अपने जीवन नूं एक नवीं दिशा प्रदान कर सकते हाँ, भटका अते दुचित्ती दी स्थिति नूं समाप्त कर सकते हाँ। पर त्रासदी यही है कि वर्तमान सूचना टेक्नोलॉजी अते तकनीक प्रधान युग विच असी पुस्तकां दे महत्व की अनदेखी कर रहे हाँ। इसका माड़ा असर समाज के बद्दी अराजकता के तौर पर दिखाई दे रहा है। आचार्य श्री राम शर्मा के शब्दों में पुस्तक अजिहिया अध्यापक होंदिया हैं जो सानू बिना झिड़के अते बैंत मारे सानू ज्ञान प्रदान कर दिया हैं। ये कथन सच है कि पुस्तक सानू बिना पीड़ा पहुँचाए ज्ञान प्रदान कर दिया हैं। इसके उल्ट तजर्बे नूं भी ज्ञान देने वाला मन्या जाता है, पर आम तौर पर यह तजर्बा अत्यंत पीड़ादायक भी हुंदा है। इस नूं देखदे हुए पुस्तकां दा साडे जीवन विच अहम स्थान होना चाहिदा है। असल विच अध्ययन की संस्कृति साडे जीवन के संस्कारां अते साडी शख्सियत के विकास नाल सीधी जुड़ी है। अमरीका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन अपने गरीबी के दिनों विच एक बार किसी व्यक्ति तो पुस्तक मंग के लियाए। पुस्तक भेज जाने उन्होंने उसकी कीमत के बदले उस व्यक्ति के घर काम करना पिया। वो इस गल तो दुखी नहीं हुए बल्कि बहुत खुश हुए कि उन्होंने एक पुस्तक मिल गई। महात्मा गांधी भी पुस्तकों को महत्व देंदे हुए कहते सन कि पुस्तक रतन नालों भी बहुत मुलवान होंदिया हैं। वो कहते सन कि पुराने कपड़े पहनो नवीं पुस्तकां खरीदो। असल च साडे कपड़े साडी शख्सियत दा बाहरी हिस्सा हुंदे हन, जबकि पुस्तकां तो प्राप्त ज्ञान साडी शख्सियत दा अंदरूनी विकास करदा है। पुस्तकां साडे विचार अते आचरण ते भी सीधा असर पैंदा है। असी जिहो जिहा साहित जां पुस्तक अध्ययन करदे हाँ साडे दिलो दिमाग ते उसका उस तरह का ही असर पैंदा है। जे असी अपने जीवन नूं सुंदर ते श्रेष्ठ बनाउणा चाहुंदे हाँ तां उस दे लई सानू चंगियां पुस्तकां नाल जुड़ना ही पवेगा।